महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच सीएम उद्धव ने शिवसेना के 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कागज पर भले कोई मजबूत होने का दावा करे, मगर आगे की प्रक्रिया कानूनी तरीके से ही बढ़ेगी। राउत ने बाकी विधायकों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं शिवसेना ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है। ये विधायक व्हिप जारी होने के बावजूद मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इधर गुवाहाटी में बैठे बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है, हमें कोई डरा नहीं सकता। शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 39 और निर्दलीय 14 विधायक हैं।